नाज़रीन मोहतरम, तहरीके लब्बे पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ जो है वो नज़रबंदी के और गिरफ्तारी के जो अहकाम जो है वो जारी हो गए हैं। अपडेट क्या है, सारी अपडेट से आपको आगाह करता हूँ कि मंडी बहावुद्दीन के करीब नाज़रीन मोहतरम एक इलाका है जिसका नाम है मकवाल। नाज़रीन मोहतरम वहां पर कादियानियों की गंदगा जिसको वो इबादतगाह कहते हैं वो है, और नाज़रीन मोहतरम वहां पर जो है कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जनाब उन्होंने मीनार बनाए हुए हैं और जो इस्लामी शायर हैं उनको जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है जो कि कानून के बिल्कुल जो है वो खिलाफ है। नाज़रीन मोहतरम, फिर तहरीके लबी पाकिस्तान मंडी बहावुद्दीन की क़यादत ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और जनाब वहां पर जनाब जो कानूनी कार्रवाई अपनाई और कानून को कहा गया कि आप जो है इसको खत्म करें। अच्छा, अब बजाय इसके कि वो उनको खत्म करते उन्होंने जनाब कोई एक्शन नहीं लिया, जनाब ये कहते रहे बार बार लेकिन उन्होंने जनाब कान पर नहीं धरे। नाज़रीन मोहतरम, जब देखा मंडी बहावुद्दीन तहरीक लबी पाकिस्तानी की क़यादत ने कि जनाब ये बिल्कुल जनाब जो कानून जनाब कानून के तहफ़्फ़ुज़ वाले हैं वही जनाब कानून की जो है पासदारी नहीं कर रहे, तो फिर जनाब तहरीक लबी पाकिस्तान मंडी बहावुद्दीन की तरफ से जनाब एक मुतालबा जो है वो किया गया कि जनाब 12 रबीउल अव्वल तक जो है वो हर सूरत के अंदर जनाब इनकी जो इबादत गाह है वहां से शारे इस्लाम जो है वो खत्म किए जाए जो कि कानून के खिलाफ है। तो अब जनाब वहां के जो बड़े उहदों पर हैं उन्होंने जनाब क्या किया कि जनाब तहरीके लब्बे पाकिस्तान मंडी बहावुद्दीन की क़यादत के खिलाफ नजरबंदी के और जनाब गिरफ्तारी के अहकाम जो है वो जारी कर दिए। नाज़रीन मोहतरम, ज़राए से हमें जनाब ये भी खबर मिली है कि वहां का जनाब जो SP इन्वोकेशन है नाज़रीन मोहतरम वो जो है वो कादियानी है और जनाब उसको जनाब ये कहा गया कि जनाब आप जो है इनको नजरबंद करें, इनको गिरफ्तार करें। तो मैं वाज़े तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा रा होश के नाखून लो, जो कानूनी काम बनता है आप वो कानूनी काम जो है वो करें, क्यों जो है आप पाकिस्तान का जो है वो माहौल बदनाम जो है वो करें। अगर ये कानून ना हो तो फिर एक अलहदा बात है, जब पाकिस्तान का आइन कह रहा है कि जनाब कायदे यानी जो है वो शारे इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कि जनाब उनको हम तहफ़ दें कि जनाब नहीं नहीं आप करें। तो अभी भी जनाब आपके पास वक्त है, मौल को खराब ना होने दे। तो मैं गुजारिश करता हूं मंडी बहावुद्दीन वहां के जो बड़े उहदों पर फाइज हैं को खुदारा होश के नाखून लें और इसके खिलाफ जो है फिल फॉर एक्शन लिया जाए और कादियानी की इबादत गाहों से जो है वो शारे इस्लाम को खत्म किया जाए।